एक महिला कभी माँ होने का तो कभी पत्नी कभी बहन होने का दायित्व बखूबी निभाती है। यदि वो कामकाजी हो तो उसके कार्य क्षेत्र के साथ साथ उसका उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है, लेकिन वो फिर भी हालातों से हार नहीं मानती बल्कि लड़कर उनका सामना करती है। इसलिए नारी को शक्ति का पर्याय माना जाता है। नर्स दिवस के मौके पर हम आपको ऐसी ही महिलाओं से मिलाने जा रहे हैं जो एक तरफ माँ की ममता को, दूसरी ओर मजबूती से हमारे महामारी के द्वारा ड्यूटी का फर्ज भी अदा कर रही है। नर्स अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हमारे संभागीय हेड इमरान खान के साथ नर्सों से खास बातचीत की। आइए जानते हैं कोरोना काल में किस तरह वो अपना फर्ज निभा रही है। साथियों नमस्कार। आज मैं आपको बता दूं, खबर मध्य प्रदेश आपको हर एक्टिविटी पर नई नई खबर देने के लिए हर दर्शकों को रूबरू कराता है। और आज नेशनल नर्स डे है और नेशनल नर्स डे पर ग्वालियर जिले के भितरवार तहसील में खबर मध्य प्रदेश की टीम पहुंची है। और खबर मध्य प्रदेश की टीम ने आज भितरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की नर्स, जो कि इनका फर्ज के खातिर इन्होंने अपनी 3 साल की बच्ची, जो कि ससुराल में अपने सास ससुर के, इनके सास ससुर के यहाँ रह रही है, यानी कि अपने दादा दादी के यहाँ, इनके जो हस्बैंड है वो बता दूँ भोपाल के करीब सीहोर में लैब टेक्नीशियन है और ये यहाँ पर फर्ज के खातिर कोरोना काल में अपनी ड्यूटी का फर्ज निभा रही हैं। इन्होंने अपने हस्बैंड से दूर रहकर, यानी कि आप खास बात ये देखिए, 3 साल की बच्ची से दूर रहकर कैसे अपना फर्ज निभा रही हैं, तो हम जानेंगे मैडम से। और मैडम हमारे साथ हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपका खबर मध्य प्रदेश चैनल में स्वागत है। धन्यवाद मैम। जैसे कि आपकी 3 साल की बच्ची है और आप यहाँ से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर आपका जो ससुराल है, और आप अपनी बच्ची को छोड़कर कैसे सेवाएँ दे रही हैं भितरवा समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में? भितरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सेवा देना मेरा परम कर्तव्य है, और अगर भगवान ने मुझे इस चीज़ के लिए नियुक्त किया है तो मैं इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगी। और रही बात बच्ची की, तो वो उसको मैंने अपने उसको दादा दादी के पास छोड़ दिया है, वो वहाँ पे देखभाल कर रहा है उसकी। और जब मुझे उसकी याद आती है तो मैं उससे वीडियो कॉलिंग भी कर लेती हूँ और वो भी कर लेती है, मुझसे बच्चे से बात कर लेती है। बस ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि हमेशा ही मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अपनी सेवाएँ देती रहूँ, अपना फ़र्ज निभाती रहूँ। और मैडम, जैसे कि देखने में आता है आपके पति जो हैं वो भी लैब टेक्नीशियन है और आप भी एक नर्स का दायित्व निभा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय अगर असली कोरोना योद्धा अगर माना जाए तो इस समय फ्रंट लाइन वर्कर जो है वो नीचे स्तर के कर्मचारी हैं आप जैसे लोग, और आप 3 साल की बच्ची को छोड़कर अपनी ड्यूटी यहाँ पर कर रहे हैं, तो आपको कभी बच्ची की याद आती है, कभी अपने हस्बैंड की याद नहीं आती? ये बोलो कि कब नहीं आती है, तो हमेशा ही आती है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि वो भी घर भी देखे परिवार भी देखे। अब समय समय पर सबकी ज़रूरत पड़ती है, समय समय पर सब काम करना पड़ता है। मेरे हस्बैंड भी लैब टेक्नीशियन है और उनका भी काम है यही है कि लोगों के कोरोना की जांच करना, उनका तो मेन काम यही है, तो वो भी अपना काम कर रहे हैं और मैं भी यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ। तो आप लास्ट टाइम कब मिली थी अपनी बच्ची से? मेरे हस्बैंड अभी होली पे घर आए थे और मेरी बच्ची को भी अभी 1.5 महीने से पहले मिली थी मैं, उसके बाद नहीं मिली हूँ। तो बच्ची से वीडियो कॉलिंग पर? हाँ, करते रहते हैं हम लोग, वीडियो कॉलिंग पर बात करती रहती है। वो कहती है मम्मा आपका, अपने दर्शकों को एक नई खबरों से रूबरू कराता है हमेशा। और आपने देखा वो खबर मध्य प्रदेश एक कोशिश करता है कि खबर मध्य प्रदेश के दर्शकों को एक अजीबो गरीब खबर देखने को मिले। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पूरे राज्य में एवं देश में मनाया जाता है और आज नर्सों का एक विशेष दिन कहलाता है। नर्सेस, वो नर्सेस जो अपनी सेवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला चिकित्सालय या कहीं पर ऐसी स्वास्थ्य केंद्रों में देती हैं, तो मैं सबसे पहले तो आज नर्सेस दिवस पर अपनी सारी नर्सों को सलाम करते हैं खबर मध्य प्रदेश और उनको हार्दिक शुभकामना देता है। और हमारे साथ मौजूद हैं आज ग्वालियर जिले के भितरवार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की नर्स। हम आज उनसे जानेंगे कि आखिर उनका घर, जो कि जिस नर्स से मैं बात करने जा रहा हूँ काजोल सलाम से, वो बैतूल जिले की रहने वाली हैं और ग्वालियर जिले से बैतूल करीब 500 से 600 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो हम बात करेंगे काजल सलाम से, हमारे साथ मौजूद है काजल सलाम। काजल, सबसे पहले तो खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काजल सलाम, मैं बैतूल से बिलोंग करती हूँ, यहाँ ग्वालियर में भितरवार में पोस्टेड हूँ। आज नर्सेस डे में आपने मुझे अवसर दिया इसके बारे में कुछ कहने के लिए। तो नर्सेस डे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थडे की वजह से मनाया जाता है। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो मतलब जो गरीब लोग थे, बीमार थे, उन लोगों की इन्होंने सेवा करी थी, तो ये इनका दिन इसीलिए नर्सेस डे के रूप में मनाया जाने लगा। काजल, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आप अपनी फैमिली को छोड़ के आप करीब 500 से 600 किलोमीटर दूर यहाँ पर अकेले निवास कर रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना काल जैसा समय चल रहा है,
तो इस समय अपने आप को कैसे मैनेज करते हो, क्या कभी फैमिली की याद आती है? अगर फैमिली की याद आती भी है तो कैसे आप मैनेज करते हो, कैसे याद करते हो अपनी फैमिली? फैमिली की याद आती है तो हम फ़ोन पे बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल पे बात हो जाती है घर पे। और ये तो समय ऐसा है कि हम चाह के भी घर नहीं जा सकते, क्योंकि हो सकता है अगर घर जाते हुए हम अगर वायरस लेके अगर घर चले गए तो अपनी फैमिली के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम अभी घर पर जाना अवॉइड करते हैं। जैसे कि आपने बताया कोरोना काल का समय चल रहा है, इस समय आपके सामने ड्यूटी में क्या क्या चुनौतियां सामने आती हैं? बहुत सी चुनौतियां सामने आती है, जैसे कि गांव के लोग या फिर जो भी पेशेंट आते हैं वो एक तो बीमार हैं, हम उनसे दूरी बनाकर उनकी सेवा करते हैं, ऐसा नहीं कि हम उनसे भाग रहे हैं, उनकी पूरी मदद करते हैं अपनी सेवा भाव से। कभी आपके मन में ये ख्याल आया कि यार मेरी फैमिली इतनी दूर है और मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र कराकर अपने घर जाना चाहिए, या आपको जनता की सेवा के लिए भीतरवार में आपके सेवा देने का रोके, तो क्या आप कभी ऐसा? हाँ, मैं ट्रांसफ़र करवाकर घर जाना चाहती हूँ। ये जो सेवा भाव है वो तो भीतरवार में भी हो जाएगी और मेरे अपने यहाँ पर भी हो जाएगी। नहीं तो घर जाके यहाँ से ट्रांसफ़र करा के आप बोला कि सेवा भाव तो आप देश में कहीं भी ये सर्विस करोगी तो वहाँ भी सेवा ही होगी, लेकिन ऐसा क्यों कि अपने घर ही क्यों चुना? आपको कोई और दूसरी भी डिस्ट्रिक्ट चुन सकती थी। घर तो चूंकि घर पे क्या होता है, घर के पास रहना हर इंसान की एक वो होती है कि घर के पास रहे, लेकिन घर के बाहर निकल के काम करने में कुछ और ही मज़ा आता है। हाँ, ये है। और मतलब अलग अलग टाइप के लोगों से मिलने का अवसर मिलता है और मतलब और अच्छे से अपन लाइफ को जी सकते हैं, और अलग अलग परिस्थितियां आती है तो परिस्थितियों से कैसे निपटना ये हम अपने आगे जीवन में सीखते हैं। नर्सिस डे पर आप अपने साथी नर्सों को क्या मैसेज देना चाहती हो, किस तरह से उनको ड्यूटी करना चाहिए, इस कोरोना काल का समय चल रहा है इसमें क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए? मैं यही मैसेज दूंगी अपने साथियों को कि टाइम समय बहुत कठिन है लेकिन ये भी गुजर जाएगा, और साथ ही साथ जैसे कि देखो अपने को उनकी मदद करेंगे, हम ऐसे विभाग में स्वास्थ्य विभाग में हैं तो हम उनकी सेवा करेंगे तभी पेशेंट ठीक हो पाएंगे, अगर हम उनसे बचेंगे तो चीज़ें बढ़ेगी ना कि ठीक होगी। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि पेशेंट से उनकी सेवा करें ना कि उनको अवॉइड करें या उनसे दूर रहें। तो साथियों आपने सुना, ये बैतूल जिले से रहकर ग्वालियर जिले के भितरवार समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं और इनके जज्बे को खबर मध्य प्रदेश सलाम करता है। आप ये देखिए फैमिली में सबको फैमिली को छोड़कर और अकेले यहाँ पर निवासरत हैं और अपनी सेवाएं करीब 24 घंटे में 12 घंटे तो तकरीबन ये स्वास्थ्य केंद्र में सेवाएं देती होंगी, और शायद इनका मन भी ये बात बिल्कुल सत्य है कि अपना घर जाना सब चाहते हैं, घर से दूर रहना कोई सर्विस करना नहीं चाहता। उसका उदाहरण ये है कि फैमिली की भी याद आती है, फैमिली के साथ पढ़े लिखे बड़े हुए और फैमिली की याद आना स्वाभाविक भी है। तो आज नर्सिस डे है और आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको आगे और नर्सों से बात कराएंगे। नर्स दिवस पूरे देश में मनाया जाता है, जहाँ पर आज हम ऐसी नर्सों से अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे जिन्होंने फ़र्ज के खातिर अपनी शादी को विराम लगा दिया, यानी कि यूँ कहें कि 14 मई को होने वाली शादी शायद अब एक साल बाद वो रिश्तों में बंधेंगी। ऐसे ही नर्स हमारे साथ मौजूद हैं तो हम जानेंगे उनसे, क्योंकि इन्होंने फ़र्ज के खातिर अपना जीवन साथी एक साल बाद चुनना तय किया है। तो हम बात करेंगे मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है खबर। मैडम, जैसे कि आपकी शादी 14 मई को होने वाली थी और उसको आपने टाल दिया है कोरोना की स्थिति को देखते हुए, आप चूँकि एक ऐसी फ्रंट लाइन वर्कर हो और भितरवार समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में आप 24 घंटे में से करीब 12 घंटे ड्यूटी करती हो, तो मैडम ये शादी टालना क्या क्या समझा इसने आपको उचित जनता की सेवा के लिए? सबसे पहले मैं तो अपना फ़र्ज देश की सेवा करने के लिए, इसलिए मैंने शादी का मतलब कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। तो ये ख्याल कैसे आया कि मैं जनता की सेवा करूँगी पहले बाद में शादी करूँगी? क्योंकि कोरोना महामारी इतनी ज़्यादा चल रही है कि इसी कारण मुझे टालना पड़ा। तो अब जैसे कि आपने चूँकि आपने शादी टाली है, आपकी जो होने वाले जो पति थे या होने वाले हस्बैंड थे तो उनको आपने कैसे मैनेज किया, कि आपके परिवार ने आपके ससुराल वालों को कैसे मैनेज किया, क्योंकि शादी आपने टाली है? उन्हें मैंने ये बता दिया कि अभी कोरोना महामारी के कारण मैं कुछ समय बाद शादी करूँगी, अभी मेरा फ़र्ज है कि मैं देश की सेवा करूँ। बहुत अच्छी बात है मैडम। जैसे कि आपका यहाँ से अगर मैं गृह यानी घर की बात करूँ, यहाँ से करीब 500 से 600 किलोमीटर की दूरी पर मंडला पड़ता है, तो आप यहाँ रहकर चूँकि सिंगल अकेले यहाँ पर रहते हैं तो अपने आप को कैसे मैनेज करते हो? आपको परिवार की याद आती है तो उसको कैसे मैनेज करते हो आप? परिवार की याद तो आती है, परिवार की याद आती है तो वीडियो कॉलिंग करके
वीडियो कॉलिंग करके बात कर लेते हैं घर से, मम्मी से, भैया से। आपके जैसे कि मान लीजिए अगली साल शादी होगी, तो उससे पहले अगर जैसे कि अभी आप यहाँ पर कब से पदस्थ हो विदर्भ समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में? मैं 2019 सितंबर 21 सितंबर यानी कि 2 साल से आप यहाँ पर पदस्थ हो, 2 साल से बराबर सेवाएं यहाँ पर दे रही हो। तो मैडम जैसे कि अगर मैं बात करूँ आप किस डेजिनेशन पे यहाँ पर हो, क्या मतलब आपका वर्किंग क्या रहता है? मेरी ड्यूटी लेबर रूम में है, मैं स्टाफ नर्स हूँ। ऐसा सुनने में आया था शायद आप पहले कोरोना पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद भी शायद आपने अपनी सेवा को बराबर बरकरार रखा। हाँ, कोरोना पॉजिटिव हुई थी मैं, उसके फिर उसके बाद मैं ठीक हो गई। तो आपने सुना ये जैसे कि उन्होंने बताया कि पहला फर्ज मेरा देश की सेवा करने का है और शादी को तो मैं कभी भी कर लूँगी, क्योंकि शादी के तो कई आगे भी ऑब्जेक्शन मिलेंगे, लेकिन देश की सेवा करने का शायद बहुत लोगों को ही मौका मिलता है। तो मैं ऐसी नर्सेसों को खबर मध्य प्रदेश के माध्यम से मैं खुद सल्यूट करता हूँ, मैं खुद सलाम करता हूँ कि आगे चलकर ऐसे आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर खबर मध्य प्रदेश की तरफ से सभी नर्सेस मेरी बहनों को एवं इस टाइप की नर्सों को जो कि जनता की सेवा एवं देश की सेवा अपने फैमिली से पहले बरकरार रखती हैं। आप जैसी नर्सों को क्या संदेश देना चाहती हैं, क्योंकि आप जैसे बहुत कम ही लोग मिलते हैं जो अपनी ड्यूटी को फर्ज मानकर अपने परिवार को भूल जाते हैं? मैं तो सब लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि भगवान ने आपको स्वास्थ्य बनाया है, तो कभी पीछे मत हटिए, क्योंकि ऐसा मौका हर बार नहीं मिलता, हर किसी को नहीं मिलता। तो ये थी नर्स रीना हमारे साथ, इन्होंने बताया कि अपनी 3 साल की बच्ची से जब हमको हमेशा उनकी याद रहती है और वो हमारे दिलों में रहती है, लेकिन हमको जब भी ऐसा लगता है तो हम वीडियो कॉलिंग पर उनसे बात कर लेते हैं। और इनके पति जो है वो भी एक मेन लैब टेक्नीशियन है जो कि कोरोना पॉजिटिव मरीज या नेगेटिव उन कोरोना की जांच में लगे हुए हैं, यानी टेस्ट सैंपलिंग वो लेते हैं। तो आज नर्स डे पर मैं ऐसे ऐसे कर्मचारियों को खबर मध्य प्रदेश भी सल्यूट मारता है, खबर मध्य प्रदेश भी सलाम करता है कि अपने फर्ज के खातिर अपने परिवार को छोड़कर अपनी ड्यूटी को एक बंदोबस्त के तहत निर्वाह कर रही हैं। तो खबर मध्य प्रदेश की टीम आज आपको फिर एक और ऐसी और अन्य नर्सों से मुलाकात करवाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज नर्स डे है और स्पेशल नर्सों का दिन एक कहलाया जाता है। तो ऐसी नर्सों को खबर मध्य प्रदेश सारे दर्शकों को आपको अवगत कराता रहेगा। मैं संभागीय है इमरान खान, कैमरामैन कमल।